दोस्तों, आज हम यहाँ रसूलपुर चौक से निकले मीनार गेट होते हुए, मीनार गेट के अंदर सराय मार्केट से भवन कुंड चौकी होते हुए, आगरा चौक, रसूलपुर रोड और बस स्टैंड हम होते हुए निकले, तो लोगों की जब हम आंखें देखते थे ना, जब हम उन्हें बधाई दे रहे थे कि भाई दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन का पर्व आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला साल हो, जो व्यापारियों को इस बीजेपी की सरकार ने कर्जे में दबा दिया, व्यापार को खत्म कर दिया, आज वो आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। कहां से गए थे आप लोग? हम यहीं रसूलपुर चौक से होते हुए मीनार गेट, आगरा चौक भी हम गए, शहर में गुप्तागंज सराय, फिर वहां से कमेटी चौक निकलते हुए भवन कुंड चौक से होते हुए बहुत लंबा रास्ता हमने आज तय किया, बस स्टैंड, किटवाड़ी चौक, रेलवे रोड। क्या रिस्पॉन्स दिया बाजार वालों ने आपको? बाजार वाले इस तरह से, उनकी आंखें कह रही हैं कि भैया जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी आ जाए। आप बाजार में गए हो तो आपने क्या भरोसा दिलाया, आपने कुछ कहा उनको? देखिए, आज भरोसा दिलाने का वक्त, भरोसा तो आम आदमी पार्टी का काम अपने आप में है। बाकी आज हम बधाई देने गए थे, उनका आने वाला नया साल बहुत अच्छा बीते, दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज का त्यौहार बहुत अच्छा मनाए वो लोग, और आज से ही उनकी व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो, ऐसी हमने उनसे कामनाएं की। जब आज बाजार में गए हो तो बाजार में क्या उनको ये मालूम था कि पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी का अच्छा काम कर रही है क्या? देखिए, ये तो आज पूरे भारत में सभी को मालूम है, बस वो तो एक विकल्प देख रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को हराने वाले कौन आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी उनके सामने बेहतर विकल्प के तौर पर भर के आ रही है, और दिन रात हमारा कार्यकर्ता बढ़ रहा है। रोहतक की रैली, जिसे लोग रैली कह रहे थे, वो हमारे हर गांव से, 7500 गांव से आने वाले सेक्रेटरियों का शपथ ग्रहण था। हुड्डा हो कांग्रेस गवर्नमेंट का या बीजेपी का खट्टर खटारा हो, उनकी चूल हिल चुकी है। देखिए, स्वागत एक आम आदमी पार्टी है ना, तो ये आम लोगों के साथ मिलके चलती है। फिर भी कुछ तो किसी ने कुछ पहनवाने का शौक नहीं, कुछ किसी ने कुछ खिलाया हो? पर नहीं, दो तीन जगह स्वागत हुआ, उन्होंने वहाँ पे ठंडा पिलाया, कुछ खिलाने की कोशिश की, खिलाने के लिए हमने मना कर दिया, जलपान हमने जरूर वहाँ लिया, पर लोगों की जो आशा भरी निगाहें थी ना, उससे लग रहा था कि भाई अब बदलाव निश्चित है। लेकिन अगर बदलाव होगा भी तो कांग्रेस का मजबूती दिख बता रही है। मजबूती तो देखो, सुनने में आ रहा था जब पंजाब में भी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस की मजबूती, कहाँ रह गई वो कांग्रेस की मजबूती? दिल्ली में तो कांग्रेस जीरो पे रह गई थी, और मैं आज भी जीरो पे है दिल्ली के अंदर कांग्रेस, कहाँ की मजबूती है? तो हवा हवाई मजबूती है, हवा हवाई बनाते रहो कहीं भी मजबूती, ऐसे मजबूती नहीं आती है, लोगों के काम करने से मजबूती आती है, भ्रष्ट सरकार का और लोगों को बरगला के बड़ी लंबी राजनीति नहीं कर सकते। नोटबंदी की आज बरसी है सातवीं, 2016 में आज के दिन नोटबंदी हुई थी, क्या कहेंगे? देखिए, इस मोदी गवर्नमेंट की बदौलत जितनी भी मौत हुई, इनका जिम्मेवार कौन है? बीजेपी सरकार। उस दिन नोटबंदी की, 2000 का नोट उन्होंने चला दिया, अब फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया, कुछ समझ में जनता को नहीं आया कि ये कैसी नोटबंदी थी। ये इनके अपने नेताओं के काले धन को छुपाने का तरीका था, उसे वाइट में चेंज करने का कुछ तरीका था। लोग सवाल करने लगे हैं इनसे और इनके पास जवाब नहीं है। तो कांग्रेस की बन रही है ऐसा दावा किया जा रहा है? बीते जमाने की बातों को आज हम दोहराना नहीं चाहते। हुड्डा साहब ने 25 साल, ये कांग्रेस की सरकार ने 25 साल शासन किया है हरियाणा पे, 57 साल का हरियाणा हो गया, उस 25 साल में तो कांग्रेस से कुछ नहीं हुआ, कहीं विकास नहीं हमें दिखाई देता, आज भी टूटी सड़कें हैं, टूटे सीवर हैं। आज बीजेपी को लोगों ने तब बनाया था जब देखा कि भाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार से शायद बीजेपी बचा ले, पर बीजेपी भ्रष्टाचार में उसका बाप निकली। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैंप में सीवर लाइन खुद रही थी, सीवर लाइन के जो गटर मेन होल्स बनाए जा रहे थे, वह मसाला नाम की चीज नहीं थी, पता नहीं कौन खा गया, पीडब्ल्यूडी वाले खा गए, पीडब्ल्यूडी वाले जेई को फोन किया गया, एसडीओ को फोन किया गया, वो कहता है हमने टेंडर ही नहीं दिया, यानी कि खुलेआम ठेकेदार सड़कों को खोद देते हैं और पीडब्ल्यूडी को पता नहीं होता, मतलब बड़े अचरज की बात है। जब तक राजनीतिक सरपरस्ती इन ठेकेदारों के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नहीं होती है, तो ये चूं भी नहीं कर सकते, ऊपर से इनको शय होती है। अब आम आदमी पार्टी का आने वाले कल में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बेसिक एमिनिटीज हम लोग देते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं। जब हमारे देश का युवा शिक्षित होगा तो रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाएगा, और रोजगार हर जब युवा तक पहुंच जाएगा ना,
तो राष्ट्र निर्माण इसे कहते हैं, भारत निर्माण इसे कहते हैं, इंडिया का निर्माण इसे कहते हैं, किसी भी नाम को रख लो आप। जब हमारा युवा काबिल हो जाएगा, काबिल होकर रोजगार पाएगा, तब हमारा वास्तव में भारत का निर्माण होगा। क्या रहा आज का बाजार में, क्या किया आपने आज का? बहुत ही अच्छा, हमारा ये शुभकामनाओं का आज हमने जो बाजार में निकाली अपनी यात्रा, और लोग एक बहुत उम्मीदवारी नज़र से लोग देख रहे थे, और सभी बाजार में एक खड़े होकर लोगों ने, व्यापारियों ने अभिवादन किया और हमारी शुभकामनाएं थी। अच्छा, क्या लगता है आपको आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरह से हमारा संगठन और हरियाणा में जिस तरह से हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है, इस बार आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में आएगी। कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया है फरीदाबाद में, कर्ण सिंह दलाल ने, काफी भीड़ रही है, लोग सरकार के खिलाफ हैं। इसका बेनिफिट कांग्रेस उठाएगी या आप उठाओगे? इसका बेनिफिट सीधा आम आदमी पार्टी को जाना है, और अब लोग समझ चुके हैं दोनों पार्टियों को। बीजेपी सत्ता में रहकर अब जाने वाली है, कांग्रेस से इनका विश्वास पहले ही उठ चुका है पब्लिक का, और अब आम आदमी पार्टी को ही केवल विकल्प के रूप में हरियाणा की जनता देख रही है। आने वाला भविष्य ही आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का नगर निगम नगर पालिका चुनाव में भी ठीक था, और हम खुद 48 वोटों से हारे थे। लोगों के अंदर रुझान है आम आदमी पार्टी के लिए, और आने वाला समय ही आम आदमी पार्टी का। सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी हरियाणा में? निश्चित सरकार की बनने वाली है। इसके पीछे क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी सरकार क्यों बनेगी? क्योंकि आम आदमी को वो बेसिक सुविधाएं नहीं मिली जो आम आदमी पार्टी दे रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये हमारा मेन उद्देश्य है हर आदमी को मुहैया कराना, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही हरियाणा में आएगी। आज का व्यापारी में क्या वो संदेश गया? आप खुद व्यापारी भी हैं। देखिए, हम उनकी तरक्की के लिए उन्हें शुभकामनाएं देके आए हैं पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला। पब्लिक बड़ी आशा भरी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी, और सबने हमारा अभिवादन स्वीकार करा, और बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार बना पाओगे आप लोग? बिल्कुल 101% हमारे बिल्कुल प्रयास रहेगा, और पूरा चांस है। पूरा हमें जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक ने दोनों पार्टियों को देख लिया है, हरियाणा की पब्लिक ने। एक बार 10 साल मौका कांग्रेस को दे दिया, 2 बार मौका 10 साल खट्टर साहब को भी दे दिया, तो अब इनसे दोनों से त्रस्त हो चुकी है पब्लिक, अब केवल आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, और अब हम पूरी मेजोरिटी के संग सरकार बनाएंगे। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।